एमिटी यूनिवर्सिटी ने अपना 13वां स्थापना दिवस मनाया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर चांसलर असीम चौहान मौजूद रहे। चांसलर चौहान ने इस मौके पर सभी छात्र छात्राओं और यूनिवर्सिटी स्टाफ को बधाई भी दी। उन्होंने फर्स्ट पोजीशन पाने वाले स्टूडेंट को प्रमाण पत्र भी बांटे। एमिटी यूनिवर्सिटी 2011 में शुरू की गई थी। पहले सत्र में यहाँ 149 छात्र पढ़ते थे, जो संख्या बढ़कर अब 4000 हो गई है। एमिटी में पढ़ने वाले कई छात्र विदेशों में बड़े पैकेज पर जॉब कर रहे हैं। विदेशों में 12 और भारत में एमिटी की 13 शाखाएं हैं। ये यूनिवर्सिटी दिन ब दिन शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम गढ़ रही है। अभी 12 साल हो चुके हैं आज, और आज हम अपना 13वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। आज हमारी यूनिवर्सिटी में तकरीबन 4300 स्टूडेंट्स हैं, जिनमें से अबाउट 345 पीएचडी स्टूडेंट्स हैं, 180 के करीब फैकल्टी मेंबर्स हैं, और 150 के करीब नॉन टीचिंग स्टाफ हैं, और 25 अंडर ग्रेजुएट कोर्स और 17 पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स और 11 पीएचडी कोर्स हमारे यहाँ पे चल रहे हैं। रिसर्च में भी यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा कर रही है। हमारी एडमिशन्स पिछले 3 साल से 25% से ज़्यादा हर साल हमारा ग्रोथ हो रहा है, और हमारी प्लेसमेंट बहुत अच्छी है। पिछले 5 साल से लगातार हमारे 91% से ज़्यादा स्टूडेंट प्लेस हो रहे हैं, और जो पिछले साल का जो बैच पास आउट हुआ है जून 2023 में, उनमें से 95% स्टूडेंट्स की प्लेसमेंट हो चुकी है।